अस्सलामुअलैकुम, बानो के किचन में खुश आमदीद। आज हम पराठे की रेसिपी लेके आए हैं जिसमें हम दो तरह के पराठे बनाने सिखाएंगे, लच्छेदार और चौरस पराठा। आइए व्यूअर्स, हम पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। अपने व्यूअर्स से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया। It's humble request to all the viewers to please subscribe the channel and click the bell icon for new updates. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. एक पेड़ा हमने तकरीबन आटा गूंद लिया है। आटे को ना हमने बहुत ज़्यादा सख्त रखा ना बहुत ज़्यादा पतला, इसको नॉर्मल गूंदा है। अब इतना सा हम इसका पेड़ा लेंगे, इस तरह करके इसको पेड़ा बनाएंगे। तकरीबन दो तीन पेड़े हम निकालेंगे। अब हम इसको बेल लेंगे पेड़े को। हमने पेड़ा को बेल लिया है, इसके ऊपर हम थोड़ी इसको बड़ी रोटी कर लेंगे। इसके ऊपर अब हम घी लगा लेंगे। पूरी रोटी के ऊपर घी लगा, इसके ऊपर ये सूखा आटा लगा दें अगर आपको ज्यादा ये क्रिस्पी पराठा चाहिए। इस तरह करके हम इसको रोल करेंगे। इस तरह करके हम इसको गोल बना लेंगे। सेट करके इस तरह 3-4 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम दूसरा बनाएंगे। और इसी तरह हम इसको भी इसी तरह बेल लेंगे। बस ये हमने रोटी बना ली है, इसके ऊपर हम ये घी लगाएंगे। इस तरह करके पूरी रोटी के ऊपर घी अच्छी तरह लगा लेंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर भी हम आटा लगा डालेंगे। अगर क्रिस्पी ज्यादा नहीं चाहिए तो आप आटा डाले के आटा ना डालें, इसी तरह बना लें। इस तरह हम इसको फोल्ड करेंगे। इस तरह फोल्ड करते जाएंगे। इसको हम इसका इस तरह रोल कर लेंगे। इसको 2-3 मिनट के लिए हम रख देंगे ताकि ये घी अंदर इसके अंदर जज़्ब हो जाए। अब हम एक पेड़ा और लेंगे, उसके हम चौरस रोटी बनाएंगे। इसको भी बेल लेंगे। बेलन पे भी बेल सकते हैं, लेकिन आधी रोटी अगर बेलन पे बेलें आधी आप हाथ से बना लें। अगर आप हाथ से नहीं बना सकते तो आप बेलन से पूरी रोटी को बेल लें। अब हम इसके चौरस पराठा बनाएंगे। इसके अच्छी तरह इसके ऊपर भी घी लगा दें।
इस तरह आप रखते हैं, इसको ऐसे रखते हैं, ऐसे इस तरह करके। अब इसको इस तरह तह लगाएं, इसको इस तरह फोल्ड करें। अब इस तरह करके इसको भी हम दो तीन मिनट के लिए रखते हैं। अब हमने इसको पेड़ों पर रख दिया, तीन चार मिनट के बाद इसको हम इसकी रोटी बेलेंगे। दो मिनट हो चुके हैं, पेड़ों को हमने घी डाल के इसको सेट करके रख दिया था। अब हम इसको इसकी रोटी बनाएंगे। बिस्मिल्लाह, इस तरह करके आप आहिस्ता आहिस्ता इसको बेलते जाएं। जितना आप बड़ा बना रहे हैं और पतला कर रहे हैं या मोटा रखने, जैसे जिस तरह आपको चाहिए इस तरह आप इसको मोटा और पतला बना सकते हैं। अगर आपको पतला ज़्यादा पसंद है तो इसको ज़्यादा बेल लें, अगर आपको दरमियाना पसंद है तो इसको दरमियाना बेलें। हम इसको थोड़ा सा पतला बनाएंगे। बस अब हम तवे के ऊपर डालेंगे। तवा हमारा गर्म हो चुका है, इस तरह थोड़ी बड़ी कर लेंगे हाथ से। अब हम इसको अब हम इसको पलटेंगे। इतने में हम दूसरी रोटी को भी बना लेते हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ये घी लगाएंगे। ये बहुत मज़े का और ये क्रिस्पी पराठा बनता है। अब हम इसको पलटेंगे। चाहें तो आप दूसरी साइड पे भी घी लगा लें। बस हमने एक साइड पे ही घी लगाया है, अगर आपको चाहें तो दोनों साइडों पे लगा लें, इस साइड पे भी लगा सकते हैं। बस अंदर से माशाल्लाह जी कैसे क्रिस्पी, और ये देखें अंदर तक कैसे ये इसका घी, अंदर से हमने जो घी डाला था उससे ये कितना पकड़ा और क्रिस्पी बन रहा है ये पराठा। ये देखो, ये पराठा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको काट लेंगे। ये देखिए दोनों साइड से पक चुका है। इसी तरह हम दूसरा पराठा को बनाएंगे। अब इसको उतार देंगे, हम दूसरा पराठा तैयार करेंगे। अभी बस हम दूसरे पराठे को भी इसी तरह बेल लेंगे। ये दूसरा लच्छे दार पराठा तैयार हो चुका है। अब इसको भी हम थोड़ा थोड़ा घी लगा देंगे ऊपर। अब हम चौरस पराठे को बना लेते हैं। हम बेल लेंगे इस तरह। थोड़ा आटा डाल के बेलते जाएंगे।
व्यूअर्स, हमारे चौरस पराठा भी तैयार हो गया, इसको भी हम तवे के ऊपर डालेंगे। ये भी बहुत मजे का बनता है। चौरस पराठा भी तकरीबन तैयार हो चुका है, इसके ऊपर थोड़ा घी लगा लेते हैं। पराठे तो एक ही तरह के होते हैं, बस जिस तरह चाहे आप शेप दे सकते हैं। चौरस बना लें, गोल बना लें, लच्छेदार बना लें। हमारे पराठा तैयार हो चुका है, अब इसको भी हम उतार देते हैं, चूल्हा बंद कर देते हैं। हमारे तीनों पराठे तैयार हो चुके हैं, ये भी हमने लेयर बनाया था और माशाल्लाह ये बहुत क्रिस्पी है, देखें ये। और ये दूसरी लेयर वाला बनाया था, ये देखें इसके बिल्कुल ये लच्छेदार पराठा बना है, ये देखें ये लच्छे हैं इसके। और ये चौरस बनाया था, ये भी बहुत क्रिस्पी है, ये देखें इसकी भी लेयर है अंदर से, लेकिन ये चौरस है, शेप इसकी चौरस है। व्यूअर्स ये आप बनाएं और खाएं, ये बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत खूबसूरत भी लगते हैं। आप इनको खाएं और बनाएं और इंजॉय करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, घंटी के बटन को दबाएं और मुझे दुआओं में याद रखें। शुक्रिया।